तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और फिलहाल आप अपनी बोर्ड की और साथ में जेई मेन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, डेफिनेटली 23 वाला जो एग्जाम का डेट्स वगैरह है वो सारा आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर सारा डेट्स के बारे में बात की कि कौन कौन सी डेट्स को आपका एग्जाम होना है और क्या लास्ट डेट है। फिलहाल लास्ट डेट जो है जेई मेन सेशन 1 अप्लाई करने के लिए वो 12th of January है। 12 जनवरी तक अपना जेई मेन जो भी लोग बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, IIT NITs के लिए, वो लोग अपना जेई मेन का एग्जाम या एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करते टाइम पे आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग हर साल ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे जो मिस्टेक हुआ रहता है वो फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप जोसा की काउंसलिंग हो रही होती है, सीसैप की काउंसलिंग हो रही होती है, या जब आपका एडमिशन टाइम आता है उस टाइम पे आपको दिक्कत करता है। रीजन ये है क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग का जितना भी सारा प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में, वहां पर आपका जो भी डेटा एक्सेस किया जाता है वो इसी जेई मेन के फॉर्म के टाइम पे जो भी आपने डेटा फिल किया होगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म में आपने भरी होगी, वही एप्लीकेशन नंबर यूनिक होता है और इसी एप्लीकेशन नंबर से पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेस की जाती है, आपकी कैटेगरी क्या है। मेजरली कुछ मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ, बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। गलती से भी अपना कैटेगरी का मिस्टेक मत कीजिए कि कौन सा कैटेगरी का आपने फिल किया, जो भी आप कैटेगरी डालेंगे वही आगे कंसीडर हो जाएगी। फॉर सपोज अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या गलती से भी अगर आपने कोई दूसरी कैटेगरी डाल दी तो फिर आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको जनरल तौर पे जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के टाइम पे आपने अगर मिस्टेक किया, आपने कोई भी अदर कैटेगरी गलती से फिल हो जाता है, तो फिर वहां पर आपको मेजरली कुछ मेजर मिस्टेक्स होते हैं, मेजर ऑप्शंस में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं आपकी कैटेगरी के भरने के टाइम पे, आपके अदर डिटेल्स में, आपके मदर फॉर पेरेंट्स के नेम में, फादर मदर फादर के नेम में आप कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन क्योंकि जेई मेन में आगे कोई भी इंप्रूवमेंट का या कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, ना ही कोई करेक्शन विंडो ओपन होता है, तो इसमें क्या है कि एट द एंड जो भी आप भर रहे हो ये सारा फाइनल होने वाला है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शन है, उसको भी आप रीड कर लें। जैसे हम जब एप्लीकेशन जेई मेन का एप्लीकेशन भरने जाएंगे तो वेबसाइट पे आना है, jmain.nta.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे लिए सेशन 1 का एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस लिंक पे हमें क्लिक करेंगे, यहाँ ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे हम क्लिक करके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे इस तरीके का पोर्टल आएगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको जो डिटेल्स हैं वो दिए गए, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं और फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए कंप्लीट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो भी बनाया जाएगा, इसमें आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट सेल्फ से घर में अपने फॉर्म फिल करने वाले हैं, खुद से कर रहे हैं, तो वो लोग कोई भी मिस्टेक ना करें। फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आपको हेल्पलाइन भी, हमारा जो अल्फा हेल्पलाइन है वो भी यहाँ पर उसका नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट बात करके सारा उनसे इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस भी ले सकते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है। तो फिलहाल यहाँ पर आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो फीस और ये सारी चीजें बेसिक से देख लीजिए। यहाँ पर फीस जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 फीस है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए फीस है। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट आते हैं मेल में से, तो आप दोनों के लिए ही, SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए, इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 500 फीस है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जनरल वालों के लिए 1000 और OBC वगैरह के लिए आप 800। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ नोट कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको अब यहाँ पर कुछ जो मेजर डाउट्स होते हैं कि सर क्या हमें जो जेई मेन का फर्स्ट वाला फॉर्म भरेंगे इसी में से हमारा सेकंड आगे का एग्जाम हो जाएगा, सेशन 2 का हमें फॉर्म अलग से नहीं भरना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दिखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट सेशन, जो पहले सेशन में आप सिर्फ पहले सेशन के लिए ही भर पाएंगे, और जैसे ही आपका पहला सेशन ओवर हो जाएगा, मतलब इसका एग्जाम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन सेकेंड सेशन के लिए फिर से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगी। तो जो भी लोग की एप्लीकेशन फीस और पूरा प्रोसेस है ये आपका डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको करना पड़ेगा। पहले सेशन में आपको अभी फॉर्म भरना है, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, फिर सेम एप्लीकेशन नंबर से आप सेशन 2 वाला एप्लीकेशन भी जब ओपन होगा, जो भी डेट्स आएंगी उसके लिए अलग से फिर डेट आएंगी, तो फिर आपको वो भरना होगा। फिलहाल उन्होंने भी एग्जाम की डेट्स दे दी है कि अप्रैल में आपका कब एग्जाम होना है वो बता दिया है, बट जब दोबारा जो एप्लीकेशन ओपन होने वाली डेट्स हैं वो तभी पता चलेंगी कब से आपका सेशन 2 के लिए, कब से एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। यहाँ जब आप आगे फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि सेशन 1 में सिर्फ आपको सेशन 1 का ही एप्लीकेशन फॉर्म दिखे ऑप्शन दिखेगा, सेशन 2 में आप सेशन 2, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है वो मेजरली 3 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में जो आपका फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे अभी आप मैंने साइड में यहाँ पर जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन वाला विंडो है एक बार दिखा देते हैं आप सभी को। तो पहले आप यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या होगा कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको
एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और एक पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो पासवर्ड मिल जाएगा। उसी पासवर्ड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ये स्टेप टू है। स्टेप वन में केवल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, दूसरे स्टेप में आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स का डिटेल, आपका एकेडमिक डिटेल, आपका जो भी अदर डिटेल्स लगने वाले हैं, वो सारा फॉर्म कंप्लीट फॉर्म स्टेप टू में खुलेगा। पहले में केवल रजिस्ट्रेशन, दूसरे में आपका कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद आपका जो आगे प्रोसेस होगा, थर्ड आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आपको करना है। और इस बीच में आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होंगे, कई बार जो बच्चे सेल्फ से फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए दिक्कत लगती है कि सर कैसे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम लोग रीड नहीं करते हैं। अगर आप इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं तो काफी आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। साथ में आप आगे जो 23 का इनका ब्रोशर भी है वो ब्रोशर भी पढ़ लीजिए, उसमें हालांकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, तो बच्चों को लगता है कौन इतना मोटा पीडीएफ उसको कौन रीड करेगा, तो बच्चे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल, फोटो आपकी होनी चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर एक लगेगा, वो 4 KB से 30 KB के बीच में सिग्नेचर लगेगा, और आपका स्कैंड कॉपी लगेंगे। यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उनकी जो होगी वो स्कैंड कॉपी, साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड PWD सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आप रिजर्वेशन के लिए बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, क्लेम करेंगे, तो वो आपका न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये 3-4 चीजें, जिन बच्चों का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, उसको जल्दी से आप बनवा लीजिए। SC ST OBC कैंडिडेट या हमारे जो EWS कैंडिडेट हैं, EWS वाले बच्चे हैं, वो सारे लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी करा लीजिए। तो फोटो साइन तो मिल ही जाना है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लग जाना है, और ये सारी चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी फॉर्म में। देन आपको यहाँ पे बाकी की डिटेल, एक पासवर्ड बनाना होगा, जो कि पासवर्ड आपको प्रॉपर तरीके से सेव करके रखना है। जो भी अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी यूज करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि अपना कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद पता चला वो नंबर गुम हो गया या मेल आईडी इधर उधर हो गया, तो फिर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपना बहुत अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखें, आगे के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स आएंगे रिलेटेड टू NTA JEE मेन से रिलेटेड आपका कुछ भी अपडेट आता है तो मोस्टली आपको मेल पे आपके नंबर पे आपको मिल जाएगा, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब एग्जाम है। कल को अगर NTA ने कुछ चेंज भी किया, क्योंकि NTA कई बार डेट्स चेंज करते रहते हैं, कई चीजें रहती हैं, तो उसका अपडेट आपको मेल पे आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू मिलता रहेगा। तो ये आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को फॉलो करने चाहिए। बाकी जो कंप्लीट फॉर्म फिलिंग के लिए आप एक बार कमेंट करिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो एक कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स में लगने वाली है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।